ओके सो गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो सारे? ठीक हो? पढ़ाइयाँ ठीक चल रही हैं अपनी? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सिर्फ बायोलॉजी नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों की पढ़ाई अच्छी चल रही है? अच्छी वाली, बेहतर। देखो फिजिक्स के तरीके अलग हैं, केमिस्ट्री के तरीके अलग हैं और बायोलॉजी के तरीके मैं आपको बता ही रहा हूँ। ऑलरेडी ऑलरेडी मैं आप लोगों को बायोलॉजी के सारे तरीके बता रहा हूँ, जीरो से लेकर आखिरी तक, ठीक है? सिस्टमैटिक कोई दिक्कत नहीं, सिस्टमैटिक एनसीईआरटी सारांश को फॉलो करो और साथ में पॉसिबिलिटीज अपने कंसेप्ट को डेवलप करते रहो। पॉसिबिलिटीज ऑटोमेटिकली बन जाएंगे बच्चों, ना पॉसिबिलिटीज ऑटोमेटिकली बन जाएंगी। फिलहाल कल डाइजेशन तक हम लोगों ने कुछ कुछ बातें कर ली थी, मुझे लगता है शायद 259 पेज तक की बातें हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखी थी, आज 260 पेज के आगे की बात करनी शायद, यही ना? चलो जो भी है, साथ में है, सामने है, देखा जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट, ह्यूमन जो डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑटोमेटिकली हर लाइन को कवर की जा रही है। एनसीईआरटी सारांश सीरीज का मतलब ही यही है ना, जो बच्चे नए हैं, अभी अभी ज्वाइन हैं या बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको उनके लिए बस छोटी सी बात, एनसीईआरटी से 2019, 2020 या प्रीवियस ईयर की भी बात कर ले तो हम इस साल 90 आउट ऑफ 90, पिछले साल 88 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं, तो क्यों ना एनसीईआरटी ही बेहतर कर ली जाए। सर एनसीईआरटी पढ़ते हैं बट उतने मार्क्स नहीं आ पाते, नहीं, मेरे तरीके से पढ़ो, मज़ा ज़रूर आएगा, है ना? मज़ा ज़रूर आएगा। रीज़न, आपकी हर लाइन कवर हो जाएंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली कर लोगे, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं चीज़ों को सिस्टमैटिक, और बिफोर दैट वही छोटा सा इंट्रोडक्शन जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, उन बच्चों के लिए जो बच्चे मुझे नहीं जानते। भाई तुमने भी तो पहली बार कभी ना कभी मेरी क्लास देखी होगी, यस। तो माई नेम इज़ अनुराग तिवारी, आप लोगों को वन अकेडमी पर बायोलॉजी पढ़ाता हूँ लाइव, पहली बात। सेकेंड थिंग, अगर अन अकेडमी पर मुझे फॉलो करना है तो कैसे फॉलो कर सकते हैं? एडी सर के नाम से। कैसे? एडी सर, ताकि मेरी सारी स्पेशल क्लासेस आप लोग देख सको। मॉर्निंग में 9 o'clock डेली होती है, 9 बजे डेली करता हूँ, कभी कुछ ज़रूरत हुई तो पहले से बता दूंगा, बट यस 9 to 10 डेली मॉर्निंग में AM, है ना? चलो जी, सिस्टमेटिक चीज़ें, ठीक है? तो 9 to 10 की बातें हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग, तो एडी सर के नाम से मुझे फॉलो कर लो अन अकेडमी पर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी, और उसके भी सबसे बड़े चैनल की बात मैं अगर करूं तो दैट इज लेट्स क्रैक न्यूट यूजी पर हम तुम साथ में हैं, अच्छे से पढ़ाई करो। और यस, मेरे प्लस की क्लासेस बस शुरू होने वाली हैं, मैंने आज अपडेट कर दी है शीट, तो मुझे लगता है 4 या 5 अक्टूबर को वो लाइव हो जाएंगी। तो आई रियली वॉन्ट कि सारे बच्चे प्लस पर आ जाओ, है ना, और पॉसिबिलिटीज अपनी डिफरेंट फॉर्म में समझ लो। देखो एनसीईआरटी के लाइन तो हम लोग समझ ही रहे हैं बच्चों, तो क्यों ना उसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से कर लें, थोड़ा सा और अच्छे से कर लें, सिस्टमैटिक कर लें, राइट? तो इस तरह से आपको अपनी पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ाना है। पढ़ना तुमको है, पढ़ाना मुझे है, कंसेप्ट मेरे है ना, लेकिन पढ़ाई तुम्हारी। बहुत सी डेली लाइव क्लास करते हैं हम लोग वहाँ पर प्लस पर, बहुत सी क्विजेज। देखो ऐसा है ना, जैसे 3 दिन क्लास कर ली, फिर 1 दिन डाउट डिस्कशन कर लेंगे, डाउट बीच बीच में भी पूछ सकते हो, बट 3 दिन क्लास करी ताकि थोड़ा सा कंटेंट इकट्ठा हो जाए। हर लाइन में तो डाउट नहीं आ सकता, तो कंटेंट थोड़ा सा इकट्ठा हो जाए, फिर तीसरे दिन अलग से डाउट की क्लास, उस दिन कुछ पढ़ाई नहीं। इस तरह से तुमने करते हुए एक चैप्टर को कंप्लीट किया, फिर दूसरा चैप्टर कंप्लीट किया, जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, वीकली क्विज और चैप्टर कंप्लीशन क्विज, नोट्स मेरे, एनसीईआरटी सारांश के टेस्ट मेरे, क्विजेज मेरी, लाइव टेस्ट, लाइव क्विजेज, सिस्टमैटिक फॉर्म में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चलते जाएंगे। और मेरा कोड यूज़ करोगे तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उसमें सिर्फ मेरी ही क्लास अटेंड कर रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जितने भी एजुकेटर्स अनअकैडमी पर अवेलेबल हैं, नीट यूजी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर, आप सबके लिए एलिजिबल हो। तो सिंगल सब्सक्रिप्शन बोलते हैं इसको, अनलिमिटेड एसेस, है ना, और लाइव भी देख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि इंटरनेट तेज है, स्लो है, कैसा है, आप ऑटोमेटिकली कुछ अच्छे तरीके से उसको पॉसिबिलिटीज़ बना सकते हो, ठीक है ना? तो बस लाइव भी देखो, रिकॉर्डेड भी देखो, बस पढ़ाई करते जाओ। एक और नया, अगर तुमको एक पर्सनल कोच के फॉर्म में भी रिक्वायरमेंट है, हालांकि बच्चे मुझसे कनेक्टेड रहते हैं, जो पहले वाले बच्चे हैं, मैं कोच की तरह ही उनके लिए पढ़ाई करवा रहा हूँ, उनसे रेगुलरली अपडेट ले लेता हूँ, या वो मुझे मैसेज कर देते हैं, सर देखो नोट्स कैसे बने हैं, सर टाइम टेबल सेट नहीं हो पा रहा है, बट स्टिल आप एक पर्सनल कोच एंड अकेडमी की तरफ से चाहते हैं, तो एक और नया सब्सक्रिप्शन प्लान है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें पर्सनल कोच मिल जाएंगे, है ना? एक पेरेंट्स के कंपेयर में एक जो टीचर है, जो एजुकेटर है, वो ज़्यादा अच्छा आपको गाइड कर देगा आपकी पढ़ाई के लिए। तो बिल्कुल वही चीज़ को ध्यान में रखते हुए, पर्सनल कोच, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी प्लानिंग, वो सब कुछ आपके लिए, और प्लस साथ में सारे प्लस के कोर्सेज की बेनिफिट्स तो मिल ही रहे हैं, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाएगा आपको, है लगभग वही चीज़, बट यस पर्सनल कोच की एक अलग सी फायदे हो जाते हैं। भाई एक आप थियोरेटिकल करे जा रहे हो, कोई दिक्कत आई तो पर्सनल कोच है, फोटो भेजिए, एक अलग से ग्रुप बन गया, उस पर आपके डाउट डिस्कशन हो जा रहे हैं, ऐसा कुछ चलेगा, ठीक है ना?
अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, उसके साथ में ही आप प्लस या आइकॉनिक पर जुड़ सकते हो। प्लस की फीस एक साल की 27,000 है, क्योंकि आप मेरा कोड यूज़ करो, 30,000 नहीं, कितनी, 27,000 कोड मेरा यूज़ कर लेना, 80 सर। और 32,000 दो साल की है ना, ये टू ईयर के लिए बात हो गई, 32,000। इससे फ़ायदा ये होगा बच्चे के पास, अभी अभी मेरे पास धीरेन का फ़ोन आया था, सर 6 मंथ के लिए या 12 मंथ की, सजेशन है 12 मंथ की ले लो, एक महीने की कॉस्ट और इंक्रीज़ कर दो तो आपका 1 ईयर हो जाता है, और आपको पता भी नहीं, क्या पता पोस्टपोन हो जाए, कुछ चीज़ें हो जाए, तो रिकमेंडेड 12 मंथ है। बाकी 6 महीने भी कुछ बुरा नहीं है, बट वही है ना कि आप अप्रैल में मार्च में ख़त्म हो गया, अप्रैल मई आप बैठे हुए हो, फिर वो स्पेशल क्लास पर डिपेंडेंट हो, प्लस पे जो चीज़ें हो पा रही हैं वो नहीं कर पाओगे, तो ट्राई करो 12 मंथ। और हाँ, 11th के हो तो 24 मंथ तो ज़रूर से ज़रूर, ठीक है ना, तो ये कोड यूज़ कर लो। आइकॉनिक में कोच के साथ में ये सारी चीज़ें चाहिए, तो आपको 40,000 देने हैं और 54,900 टू ईयर के लिए है, तो इसमें आपको 2 साल के लिए कोच मिल जाएंगे, वो आपको हर स्टेप पर आपको गाइड करेंगे, तो ये एक एडिशनल चीज़ें। कोड मत भूलना, कोड इज 80 सर, दिस इज़ माई कोड 80 सर, अनुराग तिवारी सर, ठीक है ना, ये कोड मत भूलना, ठीक है। इससे आपको जो बेनिफिट मिल रहा है मिल ही रहा है, प्लस एक मेरी जिम्मेदारी बन गई कि इस बच्चे ने मेरे कोड से लिया है, तो अपना जो भी कंटेंट और जो भी एक्सपीरियंस है सारा तुम्हारे ऊपर डाल दूंगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बन गई। हर साल चीज़ें होती हैं ना कि जी आपके कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, जिसमें से इस बार 682 का बच्चा मेरा है, 664 का बच्चा मेरा है, एक बच्चे से फ़ोन नहीं मिल पा रहा है, वो 700 प्लस का है, बट वही एक मैसेज आया इसके बाद वो शायद नानी के घर गया, तो वो भी बता दूंगा, बस रिजल्ट आने दो, उसका एडमिट कार्ड मेरे पास है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, कुछ अच्छे बच्चों के रिजल्ट्स हैं इस बार, और ये हर साल ऐसे ही चलता जा रहा है। सिर्फ एक फॉर्मूला, NCERT को फोकस करता हूँ, सिस्टमेटिक करता हूँ, कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, कंसेप्ट के साथ में NCERT के क्वेश्चंस करवाता हूँ, और बहुत सी प्रैक्टिस, और इन सब के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, जैसे NCERT में आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, जो रटने वाली चीज़ है उसके लिए मैंने 40 पेज की शीट बना रखी है, वो बच्चे को दे दी, बच्चे ने रट ली, रटने में हम लोग एक्सपर्ट है ना बायोलॉजी वाले, तो वो मेथड हम लोगों का लग जाएगा, ठीक है। कुछ प्लस के कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे थे, अभी 4 या 5 से फिर से लाइव हो जाएंगी चीज़ें, तो प्लांट फिजियोलॉजी के 3 चैप्टर करा चुका हूँ, सेल पहले करा चुका हूँ, जेनेटिक्स करा चुका हूँ, ये दोबारा कराऊंगा, हालांकि ये अब इस साल नहीं हो पाएगा, प्लांट फिजियोलॉजी के 2-3 चैप्टर हैं, रिकॉर्डेड देख लेना तुम लोग, ठीक। स्टार्ट करते हैं, चलो। सो काम भर के बच्चे जुड़ी गए हैं, तैयारी है ना ठीक ठाक, लाइन बाय लाइन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना इस चीज़ में, और आज मैं तुमको छोटा सा एक टॉपिक समझाऊंगा, उसमें से हर साल 2 साल में एक क्वेश्चन बच्चों आ जाता है, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, कॉन्फिडेंट क्यों, क्योंकि मुझसे हर चीज़, ये चीज़ हर बार बच्चों का जो है आमना सामना होता है कि सर इस टॉपिक में दिक्कत आ रही, लाइक हर साल मुझे 10, 20, 50 बच्चे मिल ही जाते हैं, सर प्लीज़ इसको दोबारा बता दो, तो मैं उस छोटे से टॉपिक को 10 मिनट में पढ़ाऊंगा भी तुमको, बीच में एक छोटा सा टॉपिक आएगा। चलो फिलहाल 46 से स्टार्ट करते हैं। ओशिन आ गई है, ओशिन पढ़ाई ठीक चल रही है, ओशिन आ गई है, और कौन कौन है भाई, जैस्मिन है, सादिया है, जाइद है, रवि है, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। बच्चों आशीर्वाद मांगा मत करो, तुम्हारे साथ हमेशा है, हमेशा है, तुम्हारे लिए किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट के लिए मैं सफिशियंट हूँ, ठीक है। किसी भी तरह के रिक्वायरमेंट, तुम्हारे कंटेंट से रिलेटेड, तुम्हारे बुक से रिलेटेड, तुमको कोई नॉलेज चाहिए, तुमको कोई जानकारी चाहिए, तुमको कोई चीज़ अटक रही है, तुम कभी परेशान हो, मुझे मैसेज करो। अब तुमको एक टीचर चुनना है, फ्रेंकली बोल रहा हूँ, बहुत से अच्छे अच्छे टीचर्स हैं अकेडमी पर, एक टीचर चुनना है, और अगर मुझको चुनते हो तो एक चीज़ बहुत सीधी सी, मेहनत करवाऊंगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, बात माननी पड़ेगी, बाकी इसके बाद तुम रैंक पर हाथ रखो, उतने हिसाब से मेहनत करेंगे, तो वो चीज़ें पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। जादूगर नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ है कि हार्डवर्किंग हूँ, ठीक है। चलो फिलहाल 46 का आंसर बताना शुरू करो। म्यूकोजल लेयर दैट फॉर्म डिप्रेशन, डिप्रेशन समझ, तो ये डिप्रेशन, फिर ये डिप्रेशन, फिर ये डिप्रेशन, इन बिटवीन विलाइज इन इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज, 46 जल्दी से बताएं, ट्राई करें, म्यूकोजल लेयर, आंसर शुरू करो बच्चों। यस, आंसर बिल्कुल ठीक, तो ये 46 का आंसर देख लें क्या, किधर गया, किधर गया, हाँ दिस वन 46 मिल जाओ भाई, यहाँ नीचे, यही, हाँ दिस वन, क्रिप्स इन बिटवीन द बेस ऑफ विलाइज इज इंटेस्टाइन ना, तो यहाँ पर आपको 46 का आंसर मिल रहा है, बिल्कुल क्लियर, यहाँ की लाइन को हाईलाइट कर लेना प्लीज, है ना। चलो भाई अगली बात कर रहे हैं, 46 डन, 46 डन, अगला,
आंसर विल बी सी, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर. 47 बताओ बच्चों, क्रिप्स की बात करें, बिल्कुल ठीक, क्रिप्स ऑफ लेबरकुन की बात करें रजनी, बहुत अच्छे. मानसी नई बच्ची है, चलो वेलकम टू द फैमिली, छोटी सी फैमिली जिसमें हम लोग मेहनत से डेली एनसीईआरटी पढ़ते हैं, अब तक तो समझ में आ गई होंगी चीजें. भाई मैं तो कंटिन्यू रहूंगा, बच्चे पूछते ना सर पूरा सीरीज करवाओगे, हाँ जी करवाऊंगा, तुम रहोगे कंटिन्यू, तुमसे पूछ रहा हूं, तो रहो. इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच आर द ट्रू सिक्वेंस फ्रॉम आउटर टू इनर, सबको मैंने बता रखा है, सब सारे बच्चों को बिल्कुल क्लियर चीजें हैं, यस और नो. तो सबसे बाहर सिरोसा म्यूकोजा को उड़ा दूं, सिरोसा के बाद मस्कुलारिस, और मस्कुलारिस में भी आपको पता होना चाहिए यहां पर क्या लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के फॉर्म में, लॉन्ग मसल्स, फिर सर्कुलर मसल्स, फिर सब म्यूकोजा और लास्ट में म्यूकोजा. तो ये तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर सबसे अंदर म्यूकोजा नहीं है, है ना, और इसमें लॉन्ग मसल्स के बाद सर्कुलर मसल्स नहीं है, तो ये भी गलत हो गया. आपका आंसर निकल कर आ गया 47 का सी. वंडरफुल अश्विनी, दानिश, साइमा, वंडरफुल, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे. अच्छा, इन चीज़ों को एनसीईआरटी से पढ़ना, एनसीईआरटी में चीज़ें बड़ी प्यार प्यार से लिखी हुई हैं, मैं तुमको सिर्फ बताना चाहता हूँ, और ये मैं अगले 3-4 महीनों तक लगातार बताता रहूँगा, तुम आओ चाहे ना आओ, है ना, जो आएगा उसको समझ में आएगा एनसीईआरटी में लिखा क्या है ना, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल, राइट. तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने कल अच्छे से समझ ली थी, ठीक है ना. तो यहाँ पर आपको 47 का आंसर प्रॉपरली मिल गया, यस 47 डन. इसके बाद हम लोग 48, 49 की बात करेंगे. फिलहाल ये बताना, नैरो डिस्टल एंड ऑफ स्टमक, है ना, डिस्टल एक होता है प्रॉक्सिमल जहाँ ईसोफेगस है, और जो इसकी बात कर रहे हैं वो क्या है बच्चे, बीच में एक छोटा सा टॉपिक 10 मिनट का पढ़ाऊंगा, तो हैव पेशेंस, बच्चे एकदम तड़पने लगते हैं, सर जल्दी से आगे बढ़ो, जल्दी से आज तो क्वेश्चन करके नीट में सिलेक्शन लेना है, नहीं, होल्ड करना, एक अच्छी चीज़ बताऊंगा, है ना. तो ये डिस्टल एंड की बात करें ना, जल्दी से बताओ, नैरो डिस्टल एंड ऑफ स्टमक, वंडरफुल. क्वेश्चन 48, स्टमक की बात कर रहे हैं ड्यूडेनम वाले बाबू, हाँ, नैरो डिस्टल एंड ऑफ स्टमक, तो स्टमक में क्या है बच्चे, 48 की बात कर रहे हैं, है ना, पाइलोरिक. मेरे बच्चे क्यों गड़बड़ कर रहे हो, ऐसी चीजें गलत करोगे तो नीट भी गलत करके आओगे. ये देखो लास्ट पार्ट, नैरो एंड इज नोन एज पाइलोरिक, स्टमक की बात की ना, आप बोलोगी कौन कनेक्टेड है तब तो ड्यूडेनम की बात करेंगे, अदरवाइज तो पाइलोरिक. बात समझ गए, यस और नो, हाँ कृष्णा को समझ में आ गया. जिन बच्चों ने 48 का बी ऑप्शन लगाया, मैं उनको समझाना चाह रहा हूँ, नैरो डिस्टल एंड ऑफ स्टमक, है ना, ठीक है, हाँ चलो जी अगली बात करेंगे. 49 समझ गए ना, समझ गए, चलो जी वंडरफुल, गुड इवनिंग बेटा. इंटेस्टाइन विलाई आर मेनली कंसर्न विथ, इंटेस्टाइनल विलाई का मेन काम क्या होता है, बहुत सिंपल सा हल्का सा क्वेश्चन है, इंटेस्टाइनल विलाई का मेन फंक्शन क्या होता है, सबको पता है यार इंटेस्टाइनल विलाई फिल्ट्रेशन सेक्रीशन के लिए नहीं, एब्जॉर्प्शन के लिए बनी होती है. एनसीईआरटी में लाइन कहाँ है वो देखते हैं. 49 की बात कर रहे हैं, ये छिपके लाइन लिखी है ना, 49, तो मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सर्फेस एरिया इन ऑप्शन के लिए, है ना, तो इंटेस्टाइनल विलाई की बात कर रहे हैं, 49 हाईलाइट कर लेना अगर तुमको लग रहा होगा अरे ये तो लाइन ध्यान से मतलब छूट गई बिल्कुल भी, ठीक है, ये आंसर विल बी व्हाट डी, ठीक है डन, वंडरफुल. क्वेश्चन के साथ में ऑप्शन लिखो, पाइलोरस इज सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ, अभी अभी इसका क्वेश्चन किया, तो स्टमक और व्हाट, ड्यूडेनम, यस आंसर, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन देखने की जरूरत नहीं ना, बिल्कुल क्लियर. ईसोफेगस वाला तो क्या हुआ, हाँ जी ईसोफेगस वाले को क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ, यहाँ पर है ना, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस ऑलरेडी हैं ही हैं, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर फंडा समझ में आ रहा है. 50 बी ऑप्शन, कुछ सोचना ही नहीं है. हाँ ये एक क्वेश्चन है सिंपल सा, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम इज फाउंड इन, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम इज फाउंड इन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बच्चों, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम इज फाउंड इन ट्रैकिया या स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन, या ये 51, हाँ जी चलो भाई 51 ढूंढे. कॉल्ड माइक्रोविलाई गिविंग अ ब्रश बॉर्डर्ड अपियरेंस, तो माइक्रोविलाई की बात करो, माइक्रोविलाई आपके इंटेस्टाइन में मिलते हैं, तो आपको 51 का आंसर बड़े प्यार से स्मॉल इंटेस्टाइन लगाना पड़ेगा, राइट, वंडरफुल, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर. एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन हम लोग बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे पीछे तो चलेगा भाई, क्वेश्चन बनाया है, बुकलेट प्रिंट हो गई हैं ताकि बच्चों को भी थोड़ा सा ट्रिकी लगे. बच्चे कई बार ना मार्केट में जाते हैं, मार्केट में सपोज गए, कोई भी बुक उठाई सपोज,
ये बुक उठा ली, बुक उठाई, देखी जी ऐसे देख रहे हैं प्रॉपर, अच्छा इसमें तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये नहीं खरीदेंगे, ऐसे रख देते हैं, ठीक है ना। तो बस उनके लिए थोड़ा सा घुमा दिया, और कुछ है नहीं फिलहाल। फिलहाल 52 वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ पार्ट ऑफ, वो सीकम कोलॉन वगैरह के फॉर्म में पड़ा हुआ है ना आपने, तो एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है, उसमें कुछ सोचना है या एनसीईआरटी से दिखाऊं, समझ गए ना। एनसीईआरटी में सब कुछ बड़े प्यार प्यार से छोटी छोटी लाइनों में दे रखा है, एक ही लाइन से तीन तीन क्वेश्चन बन रहे हैं, ये तुम्हारी स्मार्टनेस है, महीने भर में ना ट्रेंड हो जाओगे तुम। बस एक गलती मत करना, ओवर कॉन्फिडेंस में क्लास अटेंड करना मत बंद करना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो तुमको सीखनी बाकी हैं, मैंने तो 7 साल में सीखी हैं। तुम सोचो कि जी मैं एक महीने में सीख गया जी, अब टीचर को कुछ आता होता नहीं है जी, जो आता है वो तो मैं खुद कर लूँगा, यही सबसे बड़ी गलती कर दोगे जैसे ही ये काम करोगे, ठीक है ना। तो रेगुलरली आ जाओ, एक घंटे की बात है, एक घंटे थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे इसी बहाने, क्यों। चलो भाई, तो 52 एलिमेंट्री कैनाल वेरी इजी, ओके। क्रिप्स ऑफ लैबरकुन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये आपके एनिमल टिश्यू से थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने चुरा लिया, हालांकि यहां पर भी आपको मिल जाएगा, राइट। जल्दी से करेंगे, जल्दी से करेंगे। अरे अबे बेटा कितना ग्रेट बनाएगा, रिजल्ट लिया बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं, कोई ग्रेट आउट नहीं होता। चलो भाई, तो आपको ये 53 का आंसर बता दो, एनिमल टिश्यू से थोड़ा सा चुरा कर यहां पर रखा हुआ है, अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा ट्रिकी बनाना होता है ना कई बार क्वेश्चन। 53 का आंसर बताओ, हाँ बिल्कुल ठीक है, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड, इट इज व्हाट, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड। एनसीईआरटी की बातें हैं ये, एनसीईआरटी की ना, कुछ भी ज्यादा कम नहीं। अब ये 54 बता दो अगर प्यार से, अगर पता है तो, 53 तो आपको मैंने बता दिया, 54 की बात बताओ। राम राम बेटा, राम राम शिवम, राम राम। चलो बताओ, सिरोसा इज मेड अप ऑफ, किससे दिया हुआ है 54, मेसोथीलियम, कनेक्टिव टिश्यू वगैरह वगैरह। यहां देखें क्या, ये देखो चारों लेयर की बातें की गई, हाइलाइटिंग देख रहे हो, है ना, ओके। चलो जी, तो यहां पर सिरोसा, यहां 54 की बात कर रहे हैं, ये दिस वन मेसोथीलियम, दैट इज एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन। ये भी एक क्वेश्चन है अपने आप में, व्हाट इज मेसोथीलियम, इट इज एपिथीलियम जो कि विसरल ऑर्गन के किनारे किनारे है, ऐसे एक को विथ सम कनेक्टिव टिश्यू, विथ सम कनेक्टिव टिश्यू, दोनों बातों पर फोकस करेंगे। तो मेसोथीलियम कनेक्टिव टिश्यू का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज सिरोसा। लो भाई, मेसोथीलियम और कनेक्टिव टिश्यू का कॉम्बिनेशन, 54 का आंसर क्या आ गया, 54 में बच्चे एक ठोक रहे हैं। मैं दोबारा से सिखा रहा हूँ बेटा, यहाँ कुछ भी जीतने हारने जैसा नहीं कि तुमको नहीं आता ए बेकार, नहीं ऐसा कुछ नहीं, सीखो बस, पॉइंट वाइज चीज़ों को मार्क करो, बस काम खत्म। अब सीख गए ना, लेकिन अब गलत नहीं होना चाहिए, एक बार धोखा खा जाओ, गलती हो जाए चलेगा, ठीक, डन। तो आंसर विल बी व्हाट, मेसोथीलियम और सम कनेक्टिव टिश्यू, डन डन डन। चलो भाई, 54 की बात करें, 54 की बात करें, डन ना, 54 का सी। चलो भाई, इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, ड्यूडेनम में कौन सा ग्लैंड है, 55 का बताओ फिर मजा आए, 55 का बताओ फिर मजा आएगा बच्चों, ड्यूडेनम में कौन सा, म्यूकोजा या सब म्यूकोजा या मस्कुलारिस या म्यूकोजा सब म्यूकोजा दोनों, 55 बहुत ही क्लियर सी बातें हैं, 55 चलो देख लेते हैं, यहीं कहीं छिपा कर बैठा। इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोजा, ऑल्सो, प्लीज मार्क दिस वर्ड मेरे बच्चे, ध्यान से मार्क दिस वर्ड, ऑल्सो वर्ड यूज कर लिया, देखो कितना ध्यान से समझना होता है। ऑल्सो का मतलब म्यूकोजा में तो है ही है, सब म्यूकोजा में भी है, इसका मतलब दोनों, समझ पा रहे हो, फील आ गई ना इस चीज की कि हाँ जी कितने ध्यान से चीजों को पढ़ना होगा। तो यहां पर दोनों ही जगहों पर मिलता है बच्चे, राइट, बिल्कुल क्लियर। 55 कृष्णा, लिखा सिर्फ सब म्यूकोजा है बट लिखा ऑल्सो फाउंड इन सब म्यूकोजा, मतलब म्यूकोजा में भी मिलता है, आंसर क्या चला गया, ए एंड बी, बातें समझ गए, डी ऑप्शन। अरे समझा कि नहीं समझा, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, तुमको गलत करना या मेरा सही होना मुझे ये नहीं करना, मुझे तो अपने बच्चों को आगे पहुँचाना है ना, वहां तक पहुँचाना है जहां तक कोई सोच भी ना पाए। तुम सोचो, इमेजिन करो, कोई एक भी ऐसा काम कर रहा है और तुम साल भर मतलब वही जो 3-4 महीने मांगे तुमसे, ज़्यादा नहीं, 3-4 महीने मांगे हैं, पूरे टाइम इसको अच्छे से कर गए, तो कोई सोच भी नहीं सकता कि किसी बंदे को एनसीईआरटी की हर लाइन ऑलरेडी पता है, उसने हर लाइन से क्वेश्चन कर रखे हैं, बस काम बन गया। तो बायोलॉजी में तो छक्के छुड़ा कर आओगे भाई, सीधी सी बात। तो ये हम तुम सिर्फ कर रहे हैं, हमारे तुम्हारे बीच की बात है ना, चलो समझ गए। हाँ, बहुत छोटी छोटी बातें, ऑल्सो वर्ड यूज कर लिया, बस वहीं से चीज़ें ट्विस्ट हो गई।
54 विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग सर्फेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी अभी बातें हुई, लेकिन यहां पर थोड़ी सी लाइन का ट्विस्टिंग है ना। ओके चलो भाई ध्यान से समझेंगे, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन सर्फेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। एक चीज चलो भाई 56 की बातें करते हैं, तो यहीं कहीं छिपा भी था, 55 तो हो गया, 56 कहां गया? यस, दीज मॉडिफिकेशन, दीज मतलब विलाइज एंड माइक्रो विलाइज, इसके ऊपर की जो लाइनें हैं अगर ध्यान से पढ़ोगे, दीज वर्ड यूज किया, तो दीज मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सर्फेस एरिया इनॉर्मसली, दीज मतलब विलाइज एंड माइक्रो विलाई, सिर्फ विलाई होता तो कुछ लैंग्वेज अलग होती, दीज मतलब प्लूरल हो गया ना, कहानियां समझ गए, तो विलाइज एंड माइक्रो विलाइज आंसर विल बी सी, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक राइट। सिंपल सी बातें, एक छोटी सी बात बोलूं, ईमानदारी से समझना, मेरा अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट है ना, एज ए डायरेक्टर मैं वहां पर काम करता हूं और साथ में आप लोगों को अनअकैडमी पर पढ़ाता हूं। बिफोर स्टार्टिंग जो इंस्टीट्यूट है उसमें मैं एज ए उसमें हूं, है ना? मैंने कुछ अच्छे बड़े इंस्टीट्यूट्स में काम किया जिसका आप नाम ले रहे हैं चैट बॉक्स में, राइट। एक छोटी सी बात बताऊंगा, ऐसा क्यों है कि इतने बच्चे पढ़ते हैं 2-2 लाख एक बड़ी सी कोचिंग में और सिलेक्शन वही 1,000, 2,000, 3,000 या 5,000 का, तो बाकी का क्या? एक छोटी सी चीज है, अगर समझ पाओ मेरे स्टूडेंट हो तो, छोटी सी बात, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, अपना टाइम मत वेस्ट करो, अपना टाइम मत वेस्ट करो। हाँ, एनसीईआरटी में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है, दैट आई विल टेल यू, वहां पर मैं कंसेप्ट बताऊंगा, लेकिन फालतू में बहुत सी चीजें पढ़ने का कोई फायदा नहीं। जी इस मॉड्यूल में ऐसा लिखा है, इस मॉड्यूल में ऐसा लिखा है, तो मॉड्यूल तो बनते ही इसीलिए हैं क्योंकि मैं उस मॉड्यूल फॉर्मेशन में तो था ना, मैं पब्लिश्ड ऑथर हूं तो कंटेंट वगैरह लिखना मेरा काम है ना। तो चीजों को समझो, मॉड्यूल में ज्यादा इसलिए लिखा जाता ताकि बच्चे देखें कहें वाह क्या एक्सप्लेनेशन है, बट उसका काम आपको टीचर करवा दे ज्यादा अच्छा है। पढ़ो सिर्फ एनसीईआरटी, ठीक है ना, एनसीईआरटी पढ़ो, मेरे क्वेश्चंस करो, इससे ज्यादा टाइम जो बचे उसको फिजिक्स केमिस्ट्री पर लगाओ ना यार। फिजिक्स बायोलॉजी में 360 का टारगेट करते हो, कभी फिजिक्स में 180 का टारगेट किया? क्यों भाई, क्यों डरते हो? केमिस्ट्री में 180 का टारगेट किया, केमिस्ट्री फिजिक्स मिलाकर 360 लाओ ना, तब कोई दम वाली बात है, और मैं तो तुमको टाइम दे रहा हूँ। बायोलॉजी में 330 तो मैं ले आऊँगा, इसकी गारंटी दे रहा हूँ, मेरे साथ मेरे टाइम मेरे हिसाब से चलो, बात खत्म, फोकस करो केमिस्ट्री फिजिक्स पर यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात चलो, ट्रू अबाउट विलाइज, विलाइज के बारे में पूछा है 57, है ना, 57 की बातें कर रहे हैं भाई, 57 वहां ऊपर छूट गया, ये देखो, अरे यहीं कहीं था यार, हाँ विलाइज, वेट 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 मैं बता रहा हूँ, 50s, हाँ ये है ना, ध्यान से, द दिस लेयर फॉर्म इररेगुलर फोल्डिंग्स दैट इज कॉल्ड एज रूज इन द स्टमक एंड स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज विलाई इन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, विलाइज वगैरह वगैरह यहाँ पर दे रखी चीज़ें, तो ये चीज़ें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, और हाँ इसी में नीचे लाइन भी दे रखी है प्रॉपर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये सब चीज़ें हैं, अच्छा साथ में प्रोजेक्शन कॉल्ड एज ब्रश बॉर्डर वगैरह के फॉर्म में, और यहाँ पर ये लिम्फ वेसल की भी बात कर रखी है, कैपलरीज की भी बात कर रखी है, जो लैक्टियल वगैरह आप लोग लिम्फ वेसल्स की बात करते हैं, तो ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है, ऑल ऑफ दीज, बात खत्म। गॉबलेट सेल्स किसका एग्जाम्पल है? एनिमल टिश्यू से चुराया हुआ क्वेश्चन है ना, गॉबलेट सेल्स किसका एग्जाम्पल है? एनिमल टिश्यू से थोड़ा सा चुराया हुआ क्वेश्चन, हालांकि यहां पर भी इसके क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान से, वेरी सिंपल और वेरी इंपॉर्टेंट, गॉबलेट सेल आर एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीसेलर यूनिसेलर, सीधी सी बात है क्या? बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तो कृष्णा एकदम लगा हुआ है, शर्मा जी लगे रहो भाई, बोला जाएगा जी शर्मा जी का बेटा डॉक्टर बन गया, क्यों? एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी थी। ओके यूनिसेलर ग्लैंड ना, यूनिसेलर एक जो बड़े बड़े क्यूबॉइडल एपिथीलियम होते हैं ना, क्यूबॉइडल उनके बीच में फंसा रहता है, मान लो ये क्यूबॉइडल एपिथीलियम है, उनके बीच में चिपका रहेगा ऐसे और अपना सेक्रीशन निकालता रहेगा लाइक दैट। यहाँ क्वेश्चन है नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से चार ऑप्शंस हैं, इसमें से इनकरेक्ट बताना है तुमको। म्यूकोजल एपिथीलियम हैज गॉबलेट सेल्स विच सेक्रेट म्यूकस, बिल्कुल ठीक है, लुब्रिकेशन में काम आता है, यहीं बड़ी प्यारी से लाइन दे भी रखी है 59, ये देखो ना, म्यूकोजल एपिथीलियम हैज गॉबलेट सेल विच सेक्रेट म्यूकस विच हेल्प्स इन लुब्रिकेशन, दे रखा है।
अच्छा जी ये लाइन डन हो गई, ये बात सही है गलत नहीं है। म्यूकोजा फॉर्म गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड स्टमक एंड क्रिप्स ऑफ लेबरकुन, बिल्कुल ठीक है यार, उसी को लाइन ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। ऑल द फोर हिस्टोलॉजिकल लेयर आर मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बिल्कुल ठीक है, कहीं पर वो ग्लैंडुलर हो जाती हैं, कहीं पर डिफरेंट हो जाती हैं, तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट दे आर मॉडिफाइड, बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं कि सब जगह एक तरह से ही रहेंगी। बट मस्कुलर लेयर इज फॉर्म्ड बाई आउटर सर्कुलर एंड इनर लॉन्गिट्यूडनल, यहां कुछ कंफ्यूजन लग रही है ना। चलो दो मिनट बचे, तो 59 में आपको यहां पर देखो क्या ये बातें दे रखी हैं। हाँ जी, तो आउटर लॉन्गिट्यूडनल और यहां क्या दिया हुआ है, इनर लॉन्गिट्यूडनल, देख रहे हो ना किस तरह से फंसाया हुआ है। तो हाँ, यहां पर कहानियां हो गई गलत, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, मैं टिक कर सकता जी आंसर है, ढूंढ लेना, लेकिन एनसीईआरटी को फॉलो करो, मजा आएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा लेकिन है नहीं, बिल्कुल मक्खन चैप्टर। लास्ट में वो ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन, इसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं। टेबल बनाओ याद करो। विच आर द फॉलोइंग आर डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री कैनाल, एनसीईआरटी की सीधी लाइन है और वैसे भी आंसर कर सकते हो। एलिमेंट्री किस कैनाल के साथ में, तो सेलिवरी ग्लैंड भी है, लीवर भी है, पैंक्रियाज भी है। कहाँ पर है ये क्वेश्चन सर, 60 का आंसर। हाँ जी, ये देखो दिख रहा है, डाइजेस्टिव ग्लैंड पर जैसे ही जाते हो, सेलिवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज, यहीं से ये क्वेश्चन चुराया मैंने, ठीक है। तो कहानियां ऑल ऑफ दीज की चली गई, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 60, डन। 61 की बात करें, हाउ मेनी सेलिवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। हाँ भाई जल्दी से, 61, हाउ मेनी सेलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। एक इस बात को समझना, धीरे धीरे बच्चों को ये फील आ रही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो हमने शुरुआत की थी 10-12 बच्चों से, फिर 20-30 बच्चों से, और ये बढ़ेंगे बच्चे, है ना, ऑटोमेटिकली पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी, आप बस रेगुलरली लगे रहो। तो सबको पता है हाउ मेनी सेलिवरी ग्लैंड, हाँ ये 61 में बच्चे कुछ फंसने वाले हैं शायद, तो कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं। बेटा थ्री पेयर का मतलब होता है सिक्स, थ्री पेयर का मतलब होता है क्या बच्चे, क्या सिक्स आंसर्स, बात क्लियर। यहां देख लो, सेलिवरी ग्लैंड थ्री पेयर दिख गया, यहां पर दिख गया, 61 और 62 दोनों से यहां पर आंसर मिल जाएगा, राइट, यहां 61 हो गया। 62, फॉलोइंग आर सेलिवरी ग्लैंड एक्सेप्ट, सबको पता है वो कान के नीचे पैरोटिड ग्लैंड, वहीं पर लिखा हुआ है। सब मैक्सिलरी या उसी का दूसरा नाम सब मैंडिबुलर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जो जीभ के नीचे सब लिंगुअल, ये ब्रूनस ग्लैंड उधर का हिसाब हो गया ना, इंटेस्टाइन में हम लोग बात चले गए। तो आंसर विल बी व्हाट, 62 का डी। कृष्णा कहां पर बेटा, कृष्णा क्यों कंफ्यूज हो रहे बेटा, वहां लिखा हुआ थ्री पेयर ग्लैंड मिलते हैं और यहां पूछा हाउ मेनी ग्लैंड्स, तो थ्री पेयर का मतलब होता है सिक्स, यहां पर पेयर इंक्लूड नहीं था, इस तरह से आंसर क्या चला गया, डी। चलो भाई, 63, द ग्लैंड विच इज सिचुएटेड बिलो टंग, टंग के नीचे, नाम से वैसे समझ में आता है बट फिर भी देख लेते हैं, सब लिंगुअल बिलो द टंग, लिंगुआ मतलब होता है टंग, ठीक है ना। 63 आंसर आ गया, यहीं पर 64 भी आंसर यहीं पर मिल जाएगा आपको, तो 63 में सब लिंगुअल, बिल्कुल क्लियर। अब जरा मैच कराना, देखो ऐसा है ना मानसी, जो देखो ऊपर वाले जॉब को क्या बोलते हैं, मेरे वन शॉट वीडियोस देखें किसी ने, लोकोमोशन के वन शॉट वीडियोस नीट प्रो पर हैं, ऑलरेडी देख लेना, नीट प्रो यूट्यूब चैनल है। ऊपर वाले को मैक्सिला, नीचे वाले को मैंडिबल, दो जॉ हैं, तो सब मैक्सिलरी मतलब इसके बीच में, सब मैंडिबल इसके बीच में, अब बीच में इस एरिया पर आपको मिलते हैं क्या, जो आपके सब मैक्सिलरी हैं और उसी का नाम सब मैंडिबल है, क्योंकि दोनों के बीच में मिल रहे हैं, बस यहाँ पर दोनों के बीच में, टंग के नीचे ये, वहाँ पर एनसीईआरटी में मेंशनड है। तो ज़रा हिसाब बताएं, 64 का हिसाब बताएं कौन सा इनकरेक्ट मैच है। जैसे चीक के सामने यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, कान के नीचे पैरोटिड, बिल्कुल ठीक है। लोअर जॉ सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबल, बिल्कुल ठीक है। बिलो टंग सब ये, बट पीनियल ग्लैंड यहाँ पर सडनली डाल दिया है ना, तो ये आपको भाई एलिमिनेट करोगे तब भी आंसर निकल आएगा, तो आंसर भी व्हाट, 64 का डी, बिल्कुल क्लियर। एनसीईआरटी को फॉलो करोगे, ठीक, डन। ओके, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, मोस्ट इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन है, 65 की बात कर रहे हैं। 65, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी, अपने दोस्तों को शेयर करो यार, कहने का मतलब ये कि एक इंपॉर्टेंट चीज चल रही है जो
एटलीस्ट यूट्यूब पर जितने भी बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं किसी ने ये चीज़ नहीं की, तुम्हारा काम है शेयर करना। अब वो जी बच्चे कहते हैं जी हम क्यों शेयर करें, बाकी जान गए तो। इस चीज़ को समझो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुमने फिर समझा नहीं है। पुराने ज़माने में हिंदू मैथोलॉजी में या अपने जो भी रिलीजियस जिस भी मानते हो जिसको भी मानते हो, दान करना और ऐसी चीज़ें क्यों बोला जाता है, जितना दोगे उतना वापस मिलता है। ट्रस्ट मी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। जितना शेयर करते हो ना ऑटोमेटिकली, जितना कुछ अच्छा करते हो वो रिटर्न होकर आता है, समझ रहे हो ना। तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बनती ही बनती। ज़्यादा मत सोचा करो, सोचो हम बहुत समझदार हैं। आंसर लीवर, ये देखो यहाँ पर एक लाइन दे रखी छोटी सी, क्या ये देखो, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, 65 की बातें हो गई, वहीं पर वेट भी दिया हुआ है 1.2 से 1.5 केजी, ठीक है ना। तो यहां पर 1.2 से 1.5 केजी, क्लियर, बातें समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर बच्चे, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर। अगला क्वेश्चन, लीवर सिचुएटेड कहां पर है बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या है, लीवर सिचुएटेड कहां पर है। थोरेसिक मतलब होता है चेस्ट एरिया, है ना। क्रैनियम का मतलब होता है ब्रेन वाला एरिया। पेल्विक का मतलब क्या होता है, हिप एरिया, लेकिन पेट वाला एरिया उसको बोलते हैं एब्डोमिनल एरिया। बिल्कुल क्लियर, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा जी, अगली बात, बातें समझ में आ रही हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी बच्चे को। लीवर के कितने लोब होते हैं सबको पता है। अब मैं तुम्हारे पॉइंट पर धीरे धीरे आने वाला हूँ। यहाँ पर दो लोब्स होते हैं ना, एक को लेफ्ट बोलते हैं एक को राइट बोलते हैं, तो ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। बिल्कुल क्लियर, वंडरफुल वंडरफुल। चलो भाई, तो यहाँ पर आपको एब्डोमिनल कैविटी हो गई और 68 में आंसर क्या होगा, दो लोब। एक फिश होती है, तुम्हारे लिए एक सिंपल सा होमवर्क है, एक फिश है जिसमें लीवर में तीन लोब होते हैं, है ना, या तो वो कार्टिलेजिनस है या फिर बोनी है, बता दो तो मज़ा आ जाएगा, बता दो तो मज़ा आ जाएगा। जो बच्चे एनिमल किंगडम कभी मुझसे पढ़ेंगे प्लस पर, उनसे पूछ रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ। एक लीवर है जिसमें तीन लोब होते हैं, मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, पूरा पूरा पूरी क्लास है। अब दैट में भी कॉन्ट्रिक चीज, दैट में भी ऑस्टिक चीज, दोनों में ही एक है। अब तुम तुक्के लगाओ, कोई ना कोई एक तो सेट हो ही जाएगा, नहीं। चलो भाई, तो ईच लोब्यूल इन लीवर इज कवर्ड बाई अ थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ इज कॉल्ड एज, सबको पता होना चाहिए, वेरी नाइस। तो दो बच्चों ने बोनी बिल्कुल एग्जैक्ट बोला है, और जो कि एग्जैक्ट आंसर भी है ना, बोनी फिश के बारे में बात कर रहे हैं ना। बोनी फिश हैव व्हाट, नॉट कार्टिलेजनस, बोनी फिश हैव थ्री लोब्स, कार्टिलेजनस हैव टू लोब्स। एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा। 69 का आंसर चलो ढूंढते हैं, यहाँ पर कहीं है, देखो ये 69 मैंने कहीं पर मार्क कर रखा, हालांकि 68 भी है, टू लोब। हेपेटिक लोब्यूल आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, है ना, ये सॉरी ग्लिंसन्स कैप्सूल की बात करें, है ना, तो कनेक्टिव टिश्यू शीथ ऑल कॉल्ड एज ग्लिंसन्स कैप्सूल, यहाँ पर कहीं है। ओके, ये आंसर विल बी व्हाट, 69 का बी, 69 का बी, वेरी नाइस। मानसी का आंसर आ गया, कई बच्चों के आंसर्स आ गए। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल्स की बात अभी कर रहे थे, हेपेटिक लोब्यूल अभी अभी देखा हमने, क्वेश्चन नंबर 70, यस और नो, यस और नो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर ढूंढ लो, हर लाइन को कवर किया है, ट्राई किया है भाई, वन मैन आर्मी है ना, ह्यूमन एरर कहीं भी हो सकती हैं, बट यस बच्चों के लिए सारा काम किया है। एक ही जिद है कि इन 4-5 महीनों में इतना बढ़िया रिविजन करा दूँ कि लास्ट के 2 महीने सिर्फ फुल लेंथ पेपर सॉल्व करके भी काम चल जाए तुम्हारा, है ना, और फिजिक्स केमिस्ट्री देखते रहना। कोई बुक चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, कोई भी बुक चाहिए, किसी भी तरह की बुक चाहिए, कुछ भी चाहिए, डायरेक्टली टेलीग्राम पर मेरे मैसेज करो, ठीक है। चलो भाई, कहानियां डन। फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर क्या करता है, सबको पता है यार, सबको पता है, जरा देख लेते हैं। यहां पर देखो, ध्यान से समझो, जो बच्चे कहते हैं ना स्टोर करता है, मेरी बात को समझेंगे, थ्रू अ हेपेटिक डक्ट एंड स्टोर एंड कंसंट्रेट इन अ थिन मस्कुलर सैक। दो काम है, स्टोरेज भी है, कंसंट्रेशन भी है। बच्चे प्लीज याद कर लो इस बात को, जिन बच्चों को ये गलत फहमी है, है ना, जिन बच्चों को ये गलत फहमी है कि सिर्फ स्टोर करता है, सिखा रहा हूं कि इस बात पर भी ध्यान देना कि कंसंट्रेट भी यही करता है। आंसर क्या हो गया, दोनों ए एंड बी बोथ, 71 का। मोहित तुमने सर्च नहीं किया होगा, या मेरे टेलीग्राम पर चले जाओ, कुछ तुमको प्लस के कोर्सेज अभी अभी खत्म मिलेंगे, लाइक 28 को खत्म किया था ओशिन, कब खत्म किया था,
हाँ भाई आदित्य है क्या इसमें? आदित्य, रवि, ये सब बच्चे हैं हमारे, है ना? हाँ, कंसंट्रेट भी करता है और ये भी करता है, दो फंक्शन याद हो गए ना, इसी बहाने बातचीत में कुछ चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी तुम्हारी। एनसीईआरटी को पढ़ना है, हर लाइन को पढ़ना है, मैंने तो फुल एकदम हाईलाइट मार रखा है, तुम सिर्फ वो हाईलाइट करो जो तुमको लगता है अरे यार ये छूट गया, और एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बनाओ। हालांकि मेरे पास एनसीईआरटी को मैंने क्या किया, मैंने ऑलरेडी कल बताया था तुमको, बीच बीच में बताता रहूंगा, कुछ नए बच्चे आते हैं ना इसलिए, एनसीईआरटी को हर फुल स्टॉप के बाद एंटर दबा दो तो एक नई लाइन बन जाती है ना, मैंने एनसीईआरटी को वर्ड में कन्वर्ट कर रखा है, फिर उसके हर फुल स्टॉप के बाद एंटर कर रखा है, फिर उसमें से फालतू की लाइंस हटा दी हैं और एक शॉर्ट नोट्स बन गया। कोई भी पेज, कोई भी चैप्टर 4 या 5 पेज से ज़्यादा का नहीं है और कोई भी वर्ड छूटा नहीं है, क्योंकि वर्ड को कंसाइज कर दिया, कंसेप्ट वही है, लैंग्वेज वही है, कीवर्ड वही है, लैंग्वेज चेंज कर दी और पूरी हर चैप्टर को 4, 5 या मैक्सिमम 6 पेज में कन्वर्ट कर दिया, तो एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स बन गया, एनसीईआरटी की बुक से ही, सिर्फ लैंग्वेज चेंज किए, कीवर्ड वही, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो बच्चा मेरा सेलेक्ट क्यों नहीं होगा, सीधी सी बात है ना। फिलहाल यहाँ पर मुझे तुमको एक छोटा सा टॉपिक समझाना था, अगर तुम कहते हो तो मैं समझा सकता हूँ, अगर तुम चाहते हो तो मैं समझा सकता हूँ, है ना। तो अन अकेडमी 80 सर देख रहे हो ना, सबसे नीचे मेरा कोड भी है 10% वाला, दिस इज माई कोड अन अकेडमी 80 सर, यहाँ पर जाओगे सब कुछ मिल जाएगा। 72 का आंसर बताना भाई, 72 का आंसर, तो कॉमन बाइल डक्ट इज फॉर्म्ड बाई, किससे बनता है 72, सबको पता है, डी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर, इजी एंड सिंपल। साक्षी कह रही सर ह्यूमन लीवर में 4 लोब होते हैं, बेटा कहां से पढ़ा तूने कि ह्यूमन लीवर के पास 4 लोब होते हैं, हाँ क्यों ऐसी नॉलेज दे रही बेटा। फिलहाल सिस्टिक डक्ट कहां पर होता है, सिस्टिक डक्ट एग्जैक्टली कहां पर होता है बच्चों, सिस्टिक डक्ट, यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, लीवर या पैंक्रियाज, सिंपल सा, तो आपको सबको पता है गॉल ब्लैडर से जो निकला उसको क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट, बातें समझ रहे हो, क्या बोला उसको, सिस्टिक डक्ट, एक मिनट, बिल्कुल क्लियर सी चीज, बहुत छोटी सी बात है, अगर समझना चाहते हो तो एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बाकी बच्चे तो जानते ही, बाकी बच्चे तो ऑटोमेटिकली जानते हैं, छोटी सी बात है, छोटी सी चीज़ है। इस पेज को निपटा दूं एक बार जल्दी से क्विक फॉर्म में, इस पेज को जल्दी से निपटा देता हूं, क्विक राइट। बाइल इज सेक्रेटेड बाई, बाइल कौन सेक्रेट कर रहा है, 74 का आंसर दे दो पहले, 74 क्विक फॉर्म में, 74 दैट यस हेपेटिक सेल, जरा देख लें, 73 में आंसर दे रखा है बाइल गॉल ब्लैडर सिस्टिक डक्ट, 74 में बाइल इज सेक्रेटेड बाई हेपेटिक सेल, तो 74 का आंसर भी आ गया आपके पास यहीं पर, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर। चलो भाई अगली बात, 75 का आंसर बताओ, 75 बहुत सिंपल, 75 बहुत ही इजी और आसान, बहुत ही इजी और आसान बच्चे, क्विक फॉर्म में बताएंगे 75, बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इन द ड्यूडेनम एज हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट व्हिच इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर कॉल्ड एज, यस स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, क्या वर्ड यूज किया, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। 76 की बात करें तो पैंक्रियाज सेक्रीट क्या करता है, पैंक्रियाज, तो आप सबको पता है इंसुलिन भी सेक्रीट करता है, ग्लूकागॉन भी सेक्रीट करता है और एंजाइम भी सेक्रीट करता है, बहुत सिंपल सी बात है ना, बहुत सिंपल सी बात है। अब एक छोटी सी बात मैं तुम्हारे साथ करना चाह रहा था, यहीं पर है ना, हम लोग कहाँ हैं, यहाँ पर, वेट, अब एक छोटा सा कंसेप्ट तुमको बताना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हारे 5 से 7 मिनट लूँगा, सर हम बहुत बिजी रहते हैं, 5 से 7 मिनट नहीं दे सकते, 5 से 7 मिनट नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूँ, 5 से 7 मिनट नहीं ले देना चाहते हो तो मैं उसमें कर क्या सकता हूँ बेटा, आपके पास एक क्या है, लीवर है ना, आपके पास एक लीवर है, ठीक है, कंसेप्ट को समझना सारे बच्चे, और यहां पर है आपका गॉल ब्लैडर, इसको क्या बोला, लेबलिंग करने की तो जरूरत नहीं, अच्छा जब भी इस चीज को देखेंगे तो ऐसे बना लेंगे, ठीक, तो ये मेरा लेफ्ट है, तो ये मेरा लेफ्ट है, लेफ्ट लीवर का लोब, ये मेरा राइट, ऐसे कर लेंगे ना, क्योंकि ये सामने से ऐसे देखते हो ना, उसको ऐसे करते देखते हो,
तो ये मेरा राइट लीवर का लोब है, राइट लोब। कंसेप्ट को बस दो मिनट में समझ लो, ये क्या है, गॉल ब्लैडर। ये क्या है बच्चे, गॉल ब्लैडर। बड़े सिंपल लैंग्वेज में समझना तभी मजा आएगा। गॉल ब्लैडर से जो पाइप आती है ऐसा सा। अच्छा एक छोटी सी बात और ध्यान से समझो, ये जो गॉल ब्लैडर से जो पाइप आई ये कहां से मिल गई, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। मेरी बात को समझना, जो लेफ्ट लीवर के लोब से है उसको क्या बोला, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और जो राइट से है उसको बोला राइट हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक मतलब लीवर, बात में कोई कंफ्यूजन। और ये जो है इसको बोला सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। थोड़ा सा घिचपिच होगा बट इस कंसेप्ट को समझ लो, तुम्हारे लिए काम की चीज है अगर समझना चाहते हो। बाकी तो भाई यूट्यूब पर किसी का बस चलता है, लोग सारे YouTube पर पढ़ा भी नहीं पाते, वो स्पेशल क्लास में पढ़ा देते हैं, ऐसे पढ़ा देते हैं। YouTube पर पढ़ाना बड़े सबकी बस की बात नहीं है, सीधी सी बात। फिलहाल मेरा काम है उन बच्चों को बताना जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया, हिपैटिक डक्ट। अब दैट में बी लेफ्ट एंड राइट, ये बात भी क्लियर हो गई। अब ये जो दोनों मिलकर बने है ना, जो दोनों मिलकर बने बच्चे उसको क्या बोला, दोनों मिलकर जहां पर ये बने उनको हमने क्या वर्ड यूज किया, बहुत ध्यान से समझना, दैट इज कॉल्ड एज कॉमन हेपेटिक डक्ट। क्या वर्ड यूज किया, कॉमन हेपेटिक डक्ट, क्योंकि जहां बाइल डक्ट वाला जो सिस्टिक डक्ट है ना, बाइल के फॉर्म है, तो ये वर्ड याद रखेंगे। तो कॉमन बाइल डक्ट है ना, ये हो गया क्या, कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट। और ये क्या, कॉमन बाइल डक्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी बच्चे को, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब जब मैं कॉमन बाइल डक्ट की बात कर रहा हूं तो यहां पर आपको समझना है क्या, ये अपना गया कहां पर, पैंक्रियाज, ये अपना है पैंक्रियाज। इसका नाम क्या है, पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज से जो मेन डक्ट आई वो किसके साथ में मिल गए भाई, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर ड्यूडेनम है, सबको पता है कि यहां पर, ग्रीन लगा दूं समझाने के लिए, यहां पर ये किसके फॉर्म में, ड्यूडेनम में जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम में गए तो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, वर्ड क्या यूज कर लिया यहां पर, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है ना। अच्छा ये जो आपके पास पैंक्रियाटिक डक्ट है इसका नाम क्या है, शायद मेरे फोटो के पीछे छिप रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बना दूं येलो से, दिस इज कॉल्ड एज मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, जो मेन पैंक्रियाज से आई। लेकिन पैंक्रियाज में एक एडिशनल डक्ट होती है, वो भी ड्यूडेनम में आके ओपन हो जाती है। थोड़ा सा घिचपिच जरूर है बट इस कंसेप्ट को समझ जाओगे तो मजा आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट, एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट। बात को समझना, गॉल ब्लेडर से जो निकलता है उसको क्या बोला बच्चे, गॉल ब्लेडर से जो निकला उसके लिए वर्ड क्या यूज किया यहां पर, बड़ी क्लियर सी बातें, सिस्टिक डक्ट। जो लीवर से निकला उसको क्या बोला, हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट और राइट तो मिलाकर कॉमन हेपेटिक डक्ट, राइट। फिर इसके बाद क्या निकला यहां पर, सीधी सी बात, तो हेपेटिक और ये दोनों मिलकर कॉमन बाइल डक्ट की बात कर ली, कॉमन बाइल डक्ट यहां पर, और कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट मिल गए तो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। नाउ द ट्विस्ट इज व्हाट, यहां पर एक कीवर्ड है सिस्टिक डक्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड, मेरी बात को बस याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बस दो मिनट। गॉल ब्लैडर से निकल रहा है सिस्टिक डक्ट, सॉरी सिस्टिक डक्ट नहीं, हाँ यस, तो यहां पर ये सिस्टिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट जो लीवर से निकल रहा है, ये लीवर से निकला लेफ्ट और राइट लोब के साथ में, ठीक है ना। फिर कॉमन बाइल डक्ट, कंफ्यूज नहीं होंगे है ना, कॉमन बाइल डक्ट किसके साथ में, सिस्टिक और हेपेटिक डक्ट मिलाकर।
तो इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है कॉमन बाइल डक्ट। तीन बातें तो क्लियर। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है ना, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, इसका दूसरा नाम है डक्ट ऑफ सैंटोरिनी, सॉरी डक्ट ऑफ विर्सम, क्या वर्ड यूज किया, डक्ट ऑफ विर्सम, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, डक्ट ऑफ विर्सम, वेरी इंपॉर्टेंट। मेन पैंक्रियाटिक डक्ट का दूसरा नाम क्या हो गया, डक्ट ऑफ विर्सम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे क्वेश्चंस कभी बन जाए तो याद रखेंगे, फर्स्ट थिंग। और जो एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट है इसका नाम क्या है, डक्ट ऑफ सैंटोरिनी, क्या, डक्ट ऑफ सैंटोरिनी, प्लीज बात को याद कर लो, सैंटोरिनी एसेसरी को, मेन को डक्ट ऑफ विर्सम, ये दोनों बातें समझ गए, दोनों ही जा रही हैं ड्यूटेनम में, लेकिन मेन जो पैंक्रियाटिक डक्ट है, बच्चे ध्यान से समझो, मेन जो पैंक्रियाटिक डक्ट है वो जाकर किसके साथ में, कॉमन बाइल डक्ट के साथ में मिल जाएगी, क्या बोला, कॉमन बाइल डक्ट के साथ में मिल जाएगी, और मेरी बात को समझेंगे, जब कॉमन बाइल डक्ट के साथ में मिलेंगे तो उस एरिया को क्या बोलेंगे, एम्पुला ऑफ वाटर, कहां पर, ये वाला एरिया दिख रहा है तुमको, हिपैटिक भी पैंक्रियाटिक, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट जहां मिले उस एरिया में थोड़ी सी स्वेलिंग हो गई ना, वो एरिया थोड़ा सा फूला फूला है, दैट एरिया इज नोन एज क्या, एम्पुला ऑफ वाटर, वाटर में वी है, और इसमें जो स्फिंक्टर होगा उसका नाम क्या है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, क्या वर्ड यूज किया, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, इस बात को यहीं के यहीं निपटा दो, खत्म करो, बातें समझ में आ रही, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई किसको गार्ड करता है, एम्पुला ऑफ वाटर को, एम्पुला ऑफ वाटर कैसे बना, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट जिसका नाम है डक्ट ऑफ विर्सम और कॉमन बाइल डक्ट के साथ में मिलने से ये काम बन गया आपका, ये कहानियां क्लियर। अब बस आपको एक चीज याद रखनी है, एक वर्ड है क्या, डक्टस कॉलिडोकस है ना, या फिर आप यूं समझ लें, ये एक दो नाम आपको बस यहां पर याद रखने हैं, मैंने आपको क्या बोला, एम्पुला ऑफ वाटर है ना, या फिर साथ साथ में आपको डक्ट ऑफ विर्सम, डक्ट ऑफ सैंटोरिनी, ये हिपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट के लिए आप लोगों को नाम क्या दिया यहाँ पर प्रॉपर, इसको एम्पुला ऑफ वाटर इस एरिया को, तो इस तरह से आपको प्रॉपर कंसेप्चुअल चीज़ें याद होनी चाहिए तो काम आपका बिल्कुल बढ़िया वाला बन जाएगा, अच्छा वाला बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलो अगले क्वेश्चन पर जंप करते हैं बिल्कुल सिस्टमैटिक फॉर्म में, चलो कुछ बहुत सीखा होगा तो यहाँ से ये चीज़ बता दो, बातें क्लियर, बातें समझ पा रहे, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी लैंग्वेज में, ये दो तीन नाम हैं तो इसको याद करोगे। चलो भाई अगली बात करते हैं, चलो जी कहानियों को आगे बढ़ाएं, 77 बताओ जल्दी से, 77 की बात कर रहे हैं बच्चों, 77। अब एबीसीडी, अब यहां से बता दो, इस क्वेश्चन से जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उससे आप एबीसीडी बता दोगे तो मजा आएगा। 77 आसान है, तो ये तो क्या है, गॉल ब्लैडर, ये हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट लेफ्ट और राइट वाली बात कर रहे हैं, तो आपको एफ बिल्कुल क्लियर है, ए क्या है यहां पर, ए दिस वन, तो दिस इज मेन पैंक्रियाटिक डक्ट जो यहां पर गया है, जो इसके साथ में मिल गया, तो कॉमन बाइल डक्ट तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर। 77 की बात कर रहे हैं, है ना, तो ये पैंक्रियाटिक डक्ट है, मेन वगैरह की बात एनसीईआरटी में बहुत नहीं बता रखी। चलो जी, तो पैंक्रियाटिक डक्ट वैसे ही हो गया, आंसर आपका निकल गया बी, बिल्कुल क्लियर, वंडरफुल। एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है बच्चे, एनसीईआरटी में बड़ा सुंदर सा डायग्राम दे रखा है ये वाला, तो इसको अच्छे से रट लेना इस वाले डायग्राम को, गॉल ब्लैडर डक्ट है ना, ऑफ गॉल ब्लैडर, कॉमन बाइल डक्ट, डक्ट ऑफ लीवर, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी, क्लियर। चलो भाई अगली बात कहाँ गया, ऑल द सेक्रीशन ऑफ पैंक्रियाज, इसमें से सारे सेक्रीशन हैं पैंक्रियाज के एक्सेप्ट 78। सर प्लीज टेल हाउ कैन वी गेट योर नोट्स, बेटा पीडीएफ तो मैं इसकी अभी भेज दूंगा, है ना, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा पूरी पीडीएफ भेज दूंगा एनसीईआरटी की, और प्लस ये क्वेश्चंस की, बाकी तो प्लस पे पढ़ाता हूँ, है ना, प्लस पर आ जाओ, चीज़ों को पढ़ ही रहे हम लोग। ऑल द सेक्रीशन ऑफ पैंक्रियाज एक्सेप्ट, तो इंसुलिन पैंक्रियाज में आता है, ग्लूकागॉन भी आता है ना, अच्छा इसके लिए एनसीईआरटी में कुछ लाइन है क्या, काइमोट्रिप्सिन है कहीं पर, ज़रा 78 ढूंढते हैं, और मैंने ढूंढ के रखा है तुम्हारे लिए 78, बड़ा नीचे दे रखा है थोड़ा सा। पैंक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज, तुम्हारे लिए ढूंढ कर रखा है 78। तो यहाँ पर ये भी हो गया काइमोट्रिप्सिनोजन, बट एंट्रोकाइनेज नहीं है, आंसर विल बी व्हाट, डी, बिल्कुल क्लियर। 78, 79 जल्दी से,
मिक्स ग्लैंड एक्सो और एंडो किस में, पैंक्रियाज, बिल्कुल क्लियर, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं किसी बच्चे को, ठीक है। कभी भी पूछ ले डक्ट ऑफ विरसंग है ना, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, एम्पुला ऑफ वाटर है ना, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ऐसे ऐसे फालतू के नाम होते हैं। एक बार कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये यहां से जुड़ गया, फिर यहां से जुड़ गया, कौन कहां से बना, यही तो करना यार, कंसेप्ट इसी को तो कह रहे हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 80, 8080, मेन फंक्शन परफॉर्म्ड बाय बकल कैविटी, जे बताओगे, मैं पर्सनली इंटरेस्टेड हूं इस चीज को समझने के लिए। तो पहला काम तो मैस्टिकेशन करता है, दूसरा स्वलोइंग के लिए क्या करता है, फैसिलिटेशन करता है, उसके लिए उस तरह का बनाता है, फैसिलिटेट करता है। क्वेश्चन नंबर 80 की बातें कहां पर छिपी बैठी एनसीईआरटी में, ये देखो। अच्छा कोई चीज भाई, क्वेश्चन लाइन देखी तभी तो क्वेश्चन बनाया, तो देखो कहां कितनी अच्छी प्यारी सी लाइन दे रखी। क्वेश्चन नंबर 80, बक्कल कैविटी परफॉर्म टू मेजर फंक्शन, मेजर फंक्शन, हाउ मेनी मेजर फंक्शन परफॉर्म्ड बाय बक्कल कैविटी, अगर ऑप्शन दे देता 1, 2, 3, 4 तो चक्कर खा जाते, ट्रस्ट मी, लेकिन अब नहीं खाओगे, ये पक्की बात है, अब नहीं खाओगे, ये पक्की बात है, यस मान रहे हो, तो इस चीज को ढंग से समझेंगे। टू मेन फंक्शन, मैस्टिकेशन और फैसिलिटेशन ऑफ स्वलोइंग, डन, ठीक है ना। हाँ बेटा, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया होता है रोहित, राइट। चलो भाई अगली बात, तो ये आंसर विल बी सी। चलो भाई 15 क्वेश्चन और हैं, बस सिंपल से 15 क्वेश्चन। बॉलस फॉर्म्ड इन बक्कल कैविटी कन्वेड इन फैरिंग्स एंड देन ईसोफेगस बाय द प्रोसेस, किस प्रोसेस से। 81 का आंसर, अगर मेरी बात मानते हो आदित्य तो हाँ मैं कहूंगा यस, और बाकी मेरी बोलने के बाद भी यस तुम ना मानो तो अब उसमें मैं क्या कर सकता हूं। तो 10, ये बात बिल्कुल क्लियर समझ लो, ये जो क्वेश्चंस हैं और ये जो कंसेप्ट हैं इनका कॉम्बिनेशन आप लाइक, मेरी स्पेशल क्लासेस भी लगाया करो मॉर्निंग में 9 से 10, पॉसिबिलिटीज तुम्हारी बनेंगी है ना, 9 से 10 मॉर्निंग में स्पेशल क्लासेस डेली, वही चैप्टर जो यहां करा रहा हूं वही स्पेशल क्लास में भी पढ़ाता हूं, ठीक है, आ जाया करो। 81 का आंसर आ गया बच्चों, 81 का आंसर बिल्कुल क्लियर, एनसीईआरटी में है ये, देखो है ना, स्वलोइंग और डीग्लूटेशन, पूरी लाइन पढ़ लो समझ में आ जाएगा। 81 क्लियर। 82, म्यूकस इन सलाइवा हेल्प टू लुब्रिकेशन एंड एडहेरिंग ऑफ मैस्टिकेटेड फूड, उसको क्या बोलते हैं, बॉलस, क्या वर्ड यूज किया, बॉलस। 82 यहां पर ढूंढ लेना, आपके लिए क्वेश्चन है, डन। सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है, सलिवरी एमाइलेज जिसको टाइलिन बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, और ये जो है ये कौन सा आयन, हाँ जी बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, और ये लाइसोजाइम, तो ये सब कुछ ही चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। 83 यहाँ पर छिपा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट्स, एंजाइम, सलिवरी एमाइलेज, लाइसोजाइम्स, एवरीथिंग। बातें समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर, डन डन डन, आंसर विल बी व्हाट, ऑल ऑफ दीज। लाइसोजाइम क्या है, एंटीवायरल है या एंटी बैक्टीरियल है, एक्ट ऑन लिपिड है या कार्बोहाइड्रेट है, लाइसोजाइम की बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बट एनसीईआरटी की लाइन को कवर कर रहा है ना। 84 लो भाई ढूंढ लेते हैं, 84 कहीं पर है क्या, क्यों नहीं है, यहीं कहीं होगा, ऊपर छिपा होगा, अदरवाइज हाँ ये है ना। लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट एज एंटी बैक्टीरियल नॉट एंटी वायरल एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, ठीक है क्लियर, एंटी बैक्टीरियल, आंसर विल बी बी। ये आपको मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से उठाकर चुराकर क्वेश्चन दे दिया, कोई गलत किया। 85 क्वेश्चन, 85 का आंसर दो, आई विल बी वेरी हैप्पी कि हाँ बच्चों को सब कुछ कनेक्टेड है। लाइसोजाइम 85, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं इंक्लूडिंग श्रद्धा, बहुत अच्छे बेटा, 85 रजनी, बहुत अच्छे बेटा, इसी तरह रेगुलरली रहे, अच्छा कर रही, वेरी 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 गुड। आंसर विल बी व्हाट, फिजियोलॉजिकल बैरियर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जरूर पढ़ेंगे। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड इन माउथ, सबको क्लियर है, 86 की बातें ढूंढ लूं क्या, अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड, 86 की बात कर रहे हैं, ये देखो 86 क्लियर, 30%। 87 ऑप्टिमम पीएच फॉर सेलिवरी एमाइलेज है ना, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम पीएच तो दैट इज 6.8, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंपल सा, मतलब स्लाइटली व्हाट, एसिडिक, ये भी याद रखेंगे, तो आंसर विल बी सी। 87 का बच्चों क्या आ गया, सी आंसर, बिल्कुल क्लियर, यस और नो, यस और नो, यस। सेलिवरी एमाइलेज एक्ट ऑन, तो मैंने क्या बोला, स्लाइटली,
एसिडिक पीएच, क्यों? क्योंकि ये 6.8 था, यस और नो? बिल्कुल क्लियर। स्टार्च की बात कर रहे हैं, स्टार्च सेलिवरी एमाइलेज की हेल्प से ए बन गया। ये ए क्या है, ये ए क्या है बच्चों? सिंपल सा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। अगर एनसीईआरटी पर फोकस करते हो, तुम्हारे महीने भर में एनसीईआरटी को पढ़ने का नजरिया ना चेंज कर दिया तो कहना, नजरिया ही चेंज कर दूंगा। और अब से जब मेरी क्लास अटेंड करो ना करो, मेरी चार क्लासेस भी अटेंड कर लेना, इसके बाद तुम अलग ही तरीके से एनसीईआरटी पढ़ोगे। यार अनुराग सर होते तो इस लाइन पर भी क्वेश्चन बना देते, समझ रहे हो? तो नजरिया तुम्हारा चेंज कर रहा हूं मैं, इस चीज को हमेशा समझना। तुम्हारा मन जानता है, और अगर तुमने 5 नए क्वेश्चन भी मेरे से सीख लिए तो तुम्हारा वो नजरिया बनेगा ही बनेगा, गारंटीड। और ये पूरे 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ में कर रहा हूं, बढ़िया दावे के साथ में। तो मेहनत करो, पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो, आगे डॉक्टर लगाओ, ताकि कल को जब जाऊं तुम्हारे हॉस्पिटल में तो मैं तुम्हें पहचानूं ना पहचानूं, तुम तो पहचान लो जी, एक चश्मा लगाए बुढ़ा सा आदमी आया है। नहीं, क्या पता तब तक बुढ़ा हो जाऊं। चलो 89, आप लोगों को सबको पता है माल्टोज, यार है ना, क्लियर सी बातें। तो ये कहानियां देख रहे हो ना, माल्टोज की बात कर रहे हैं। 89 और 90 का दोनों का आंसर यही है, सेम है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। दिवाकर कह रहा है सर कौन सी बुक करें प्रैक्टिस के लिए? बेटा इतने अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूं, और कितनी प्रैक्टिस करेगा बेटा, एनसीईआरटी की हर लाइन। अब इससे कितने भी क्वेश्चन में बना दूं, तो माल्टोज हो गया। अब माल्टोज जो है क्या है, मोनोसैक्राइड है, डाइसैक्राइड है, पॉलीसैक्राइड है, क्या है? 90 का आंसर भी वही मिल गया आपको, हाँ जी। तो माल्टोज क्या हो गया, डाइसैक्राइड, बिल्कुल क्लियर, डन डन डन। नेक्स्ट चैप्टर बेटा सीक्वेंस में चल रहे हैं ना, डाइजेशन, फिर इसके बाद वाला, फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी को पूरा लास्ट तक, 22 तक, यहां से स्टार्ट किया 22 तक जाएंगे, तो सीक्वेंस में। कल भी इसी चैप्टर का बचा हुआ पार्ट करेंगे, कल पार्ट 3 है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया नीचे वाला, जो नीचे दे रखा है उसको ज्वाइन कर लो, क्या? अन अकेडमी नीट प्रो। मेरे वाले पर जाना चाहते हो तो अन अकेडमी 80 सर, 80 सर मतलब अनुराग तिवारी सर, दोनों ही ऑप्शन है। गैस्ट्रिक ग्लैंड आर सिचुएटेड इन, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पर मिलता है? 91 का आंसर दो भाई। रजनी बस मुश्किल से 4 क्वेश्चन और, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। चलो भाई, तो यहां पर सब म्यूकोजा म्यूकोजा वगैरह की बात करी है। 91 म्यूकोजा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के म्यूकोजा में होती हैं चीजें, है ना, म्यूकोजा। तो आंसर विल बी व्हाट, बी 91। बेटा मैंने बोला तूने सुना ही नहीं, है ना, मैं प्लस पर सारे नोट्स देता हूँ, बाकी यहाँ पर भी दे दूंगा, आप लोग वहाँ चले जाओ, टेलीग्राम पर जाओ। गैस्ट्रिक ग्लैंड आर सिचुएटेड इन म्यूकोजा, डन 91। 11th में हो तो बेटा निखिल 11th के तो क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन का आंसर देना मजा आएगा, 92, बहुत इजी क्वेश्चन। ए का क्या है भाई, देखें क्या, 92 का आंसर दो। म्यूकस नेक सेल कहां पर, तो भाई हमें तो पता है भाई कहां पर आप लोग आंसर क्लिक करोगे, बट यहां पर लिखी हो ना, म्यूकस नेक सेल सेक्रेट म्यूकस, पेप्टिक सेल्स पेप्सिनोजन नाम से ही, पेराइटल सेल ऑक्सेंटिक सेल HCL, यही तो है ना, तो पेराइटल सेल HCL। तो सी का 1 कहां है, यहां पर है, यहां पर भी है। ए का 4 कहां है और बी का 3 कहां है, तो बस बात खत्म। तो ये बाकी चीजों को उड़ा दो, बाकी चीजों को उड़ा दो, आंसर आपका आ गया ए, 92 का ए, वंडरफुल। 93 आखिरी के 3 क्वेश्चन रजनी, ध्यान से आखिरी के 3 क्वेश्चन। विच इज रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए? तो आपको पता है HCL के साथ साथ में वो निकालता है CIF, CIF क्या है, कैसल इंट्रेंसिक फैक्टर, क्या वर्ड यूज किया, ये देखो यहां छिपा हुआ है क्वेश्चन, देखो ध्यान से, फैक्टर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 दैट इज कॉल्ड एज इंट्रेंसिक फैक्टर, पूरा नाम क्या है, कैसल इंट्रेंसिक फैक्टर, राइट, आंसर आपको मिल गया, ठीक है। स्टमक के अंदर फूड कितनी देर तक रहता है, हमें पता है 4 से 5 घंटे, यस वेरी गुड, और यहां पर आंसर भी मिल गया आपको, 4 से 5 घंटे, बिल्कुल क्लियर। और आखिरी का आंसर आप वैसे ही बता दोगे, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्च फ्रॉम, ऊपर लाइनें दे रखी हैं, अब ऊपर जाना पड़ेगा, 95 का आंसर बता दोगे अच्छा लगेगा। तो माउथ से ही सेलिवरी एमाइलेज के फॉर्म में चीजें डाइजेस्ट होने लग जाती हैं, ठीक है बच्चे,
खूब मेहनत से पढ़ो, मुझे लगता है कुछ नई चीज़ें सीखी। कितने नए क्वेश्चन सीखे ये बता दो, मतलब कितनी नई लाइनें सीखी, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, कितने? 50 तो क्वेश्चन भी नहीं थे। ईमानदारी से भाई, तुम्हारी जो पढ़ाई है वही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती है। तुम अगर रेगुलरली पढ़ोगे, तुम हो तो मैं हूँ, तुम नहीं तो मैं नहीं, सीधी सी बात। तुम पढ़ोगे तो मैं पढ़ाऊँगा, तुम नहीं पढ़ाओगे तो मैं क्यों पढ़ाऊँ, तुम पढ़ोगे ही नहीं तो मैं पढ़ाऊँगा क्यों, सीधी सी बात। कितने नए क्वेश्चन सीखे बच्चों, कितने नए क्वेश्चन सीखे, 1, 2, 10, 20, ये मत कहना सर बहुत सारे, बहुत सारों का मतलब नहीं पता चलता है ना। तो मेहनत करो, रेगुलर रहो और 7:30 आ जाओ, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं क्या, 7:30 साढ़े सात पे आ जाओ। कितने बजे छोड़ा, 8:30 पे छोड़ दिया, एक घंटे में तुम्हारे 40-50 क्वेश्चन ठीक हो गए। और क्या चाहिए यार, 40-50 लाइन्स नई सीख ली, उसमें से 10 लाइनें 5 लाइनें भी नई हैं, बस बात खत्म। एक घंटे में आपको कुछ सिखा रहा हूँ, है ना। हाँ, इसके कंसेप्ट को सीखना है, चीज़ों को मेरे स्टाइल में पढ़ना है। बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, हालांकि मैं समझता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, सर किसको किसको फॉलो करें, बिंदास मुझे टेलीग्राम करो, जो डाउट है वो पूछो। सर फिजिक्स में किसको फॉलो करें, केमिस्ट्री में किसको फॉलो करें, है ना। लोगों की क्लासेस शुरू होती हैं, बंद हो जाती हैं, मैंने अपना सिस्टम शुरू किया है, अब इसको फाइनल तक लेकर जाना है, पढ़ना तुमको है। मैं बोला ना, तुम पढ़ोगे तभी मैं पढ़ा पाऊंगा। मान लो कल को 2 बच्चे आने लगे, ठीक है, तो मैं क्यों पढ़ाऊंगा, बहुत सीधी सी बात। बात समझ पा रहे हो, तो इस चीज़ को करो, खूब मेहनत करो, अपने दोस्तों को स्प्रेड करो। प्लस पर आ जाओगे तो इसके कंसेप्ट को अपने स्टाइल में समझा दूंगा, बड़े बढ़िया तरीके से। प्लस की बात अलग होती, थोड़ा सा मेंटल सुकून होता है तुम्हारा भी मेरा भी, कि इस ये बच्चा सीरियस है। अभी तुम बोलो सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो उसमें वो चीज़ पता नहीं चलती, एकदम कूड़ा मचा देते हैं बच्चे। आज तो फिर भी बच्चे ठीक हैं, बीच बीच में नहीं वो बच्चे बदमाशियां करते हैं, परसों नरसों तो गालियां दे रहे थे बच्चे, बच्चे कुछ भी करते हैं। मेहनत करो, साथ में मैं लगा हुआ हूँ, टेलीग्राम पर मैसेज कर देना कुछ डाउट होगा, यूज़ कर लो ATSIR कोड, 10% ऑफ ले लो, ठीक है। सबको पता है, अब तो एक्सपर्ट हो गए हो। साथ में मेरे जुड़ जाओ, सारी बुक जो NCERT की है, सारे जो क्वेश्चंस हैं ये NCERT सारांश के, सब कुछ तुम्हारा ही है। मेहनत से करते रहो, लगे रहो, सुबह 9 बजे आया करो यार, 9 बजे भी आया करो, वहाँ पर भी तो क्वेश्चन करा ही रहा हूँ ना, बट वहाँ NCERT का रेफरेंस नहीं लेता, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करता हूँ, यहाँ NCERT के रेफरेंस के साथ में पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो कल बाकी का बचा हुआ पार्ट करेंगे, जो अब लाइनें बच गई हैं डिसऑर्डर्स वगैरह की, वो कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी खत्म करनी, मेहनत करो, सिलेक्शन ज़रूर होगा, है ना। बायोलॉजी में बोला ना मैंने, 330 की बातें कर रहे हैं, क्यों, कम ज़्यादा तो होते रहते हैं, तुम एग्ज़ाम तुमको देना है, ठीक है। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। कल इसका PDF भी भेज दूंगा, ये पूरी चैप्टर का, तीनों का, और एक जो NCERT बुक है जिसमें हाईलाइट किया हुआ है, उसकी PDF भेज दूंगा तुमको, ठीक है। बाय।